काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है। आज धनतेरस से जो लाखों की भीड़ आ रही है, सुबह 5:30 बजे मंदिर के कपाट खुले हैं। सबसे पहले भोर में 3:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए, उस समय माँ अन्नपूर्णा की सबसे पहले उनकी पूजा हुई, माँ अन्नपूर्णा की, फिर लक्ष्मी जी की पूजा हुई, फिर भूमि जी की पूजा हुई, फिर शंकर जी की पूजा हुई, फिर इसके बाद खजाने की पूजा हुई, इसके बाद महाआरती हुई। आरती हो जाने के बाद में फिर आम पब्लिक के लिए खजाना बांटा जा रहा है। जो बाबा विश्वनाथ स्वयं यहाँ भिक्षा मांगने आए थे, वही परंपरा का निर्वाह करते हुए जो व्यक्ति यहाँ से खजाना लेके जाता है तो निश्चित है उसके यहाँ कोई समस्या रहती है, तो निश्चित है उसमें बरकत मिलती है, ऐसा मानना है। तमाम भक्त लोग यहाँ बता रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं और खजाना लेके जाए। भारत का इकलौता मंदिर है कि धनतेरस के दिन यहाँ खजाना बांटा जाता है, और खजाना का ये महत्व है कि घर में ले जाके कहीं लावा और ये पैसे को रख देंगे तो निश्चित है उनके यहाँ अन्न की कमी नहीं होगी, और कोई समस्या होगी तो निश्चित है इस द्रव्य से उसका कल्याण करेगी माता अन्नपूर्णा। गुरु जी, कितने साल से ये परंपरा चली आ रही है और लोग ऐसा है, परंपरा हजारों साल पुरानी है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ स्वयं यहाँ पर भिक्षा मांगने आए हैं, वही परंपरा को हम लोग निर्वाह कर रहे हैं कि माता अन्नपूर्णा काशी की रानी है। और देखा जाए कि जब माता अन्नपूर्णा ऐश्वर्य लुटाती है, बाबा मोक्ष देते हैं, पूरे देश से विदेश से तमाम जगह से लोग आ रहे हैं। देखा जाए तो भारत में देखा जाए तो यूपी, एमपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमाम जगह से लोग यहाँ मौजूद हैं। और अभी देखा जाए तो मलेशिया के, इंडोनेशिया के लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर जो अप्रवासी भारतीय हैं वो अभी तमाम जगह रुके हुए हैं और खजाना लेके जा रहे हैं। अभी हमसे कई विदेशी लोग मिल के गए हैं जो खजाना लेके यहाँ से जा रहे हैं, उनके यहाँ भी बरकत होती है माता अन्नपूर्णा की, सारे जग में कल्याण करती है। ये स्वर्णमय प्रतिमा है और हजारों साल पुरानी मूर्ति है। इसको देखा जाए तो आप जब इसकी छवि लेंगे या इसके सामने खड़े होंगे तो इसकी ऊर्जा आपको अलग ही नजर आएगी, और निश्चित है कि आपके सामने कोई भी समस्या होगी या आपने किसी प्रकार के पूर्व जन्म में या वर्तमान में किसी प्रकार के पाप किए होंगे तो निश्चित है एक झलक पाने से आपका उसमें कल्याण होता है। ये यहाँ की एक परंपरा है माता अन्नपूर्णा की। भाई भाई एक मिनट भैया, देख रहे गाड़ी चल रही है, आईडी Thank you.
विदुषी विश्वकर्मा है और माँ के दरबार में आज आई है, कहाँ आई है, किस कामना के लिए? यही कि अपना आशीर्वाद बनाए रहे माता रानी, और इनका दिव्य दर्शन इसी टाइम हो पाता है और पूरे साल भर बंद रहता है, 3 दिन का ही होता है। बस सारी चीजें जो है, अन्नपूर्णा माता जी का दर्शन हुआ है, बहुत अच्छा दर्शन हुआ है, कामना किए है कि हमें साल भर उनकी दोबारा दर्शन अच्छे से मिले, उनकी दोबारा उनका दर्शन कर पाए अगले साल, और हमें अच्छे से आशीर्वाद दें, घर हम लोग का हरा भरा रहे, यही सब मनोकामना पूर्ण किए हैं। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग दर्शन कर लिए हैं माता रानी का, कोई दिक्कत नहीं हुआ।